तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट डे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंसेप्ट सेकेंड क्या कहता है विच फार्मूला विल बी यूज्ड टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हम फाइंड करने के लिए हम किस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमसे कंसेप्ट चेक कर रहा है तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो 45 ही है इसी से नीट में क्वेश्चन आना है ठीक है तो अगर ये 45 कंसेप्ट तुम कंप्लीट करते हो तो 100% नहीं बल्कि 200% गारंटी है कि नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाएगा तो चलिए देखते हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर अब इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे 80% स्टूडेंट ने सॉल्व किया है क्वेश्चन क्या कहता है ए सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज तो सूटेबल हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता करनी है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ओके ऑप्शन आपको दिख रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन ये सेकेंड ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन होगा तो जो सही आंसर होगा वो आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स ट्वाइस कैसे आएगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर इसलिए हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें फाइंड करनी है तो ये जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाय एम वन एम टू जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो जाता है ओके तो मिलते हैं